पहला सैमुएल आठवां बाब। जब सैमुएल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इसराइल के काजी ठहराया। उसके पहलौठे का नाम योएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बेर सभा में काजी थे, पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इसराइली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब तू किसी और को हमारा बादशाह मुकरर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात सैमुएल को बुरी लगी और सैमुएल ने खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की प्रस्तुति करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि वो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा, उसका तरीकाकार कैसा होगा। और सैमुएल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई, और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रिसाला में नौकर रखेगा और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे और वो उनको हजार हजार के सरदार और पचास पचास के जमादार बनाएगा और बाद से हल जोतवाएगा और फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के साज बनवाएगा और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंधन और बावर्चन और नानपज बनाएगा और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का दसवां हिस्सा लेकर अपने खोजों और खादिमों को देगा और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी दसवां हिस्सा लेगा। सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावंद तुमको जवाब ना देगा। तो भी लोगों ने सैमुएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और सब कौमों की मानिंद हों और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। और सैमुएल ने लोगों की सब बातें सुनी और उनको खुदावंद के कानों तक पहुंचाया और खुदावंद ने सैमुएल को फरमाया, तू उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकरर कर। तब सैमुएल ने इसराइल के लोगों से कहा कि तुम सब अपने अपने शहर को चले जाओ।